दिन भर जो है जब भी नमाज होती फौरन झाड़ू देना। तो उसने कहा कि मैं जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी हूं कि जो है जन्नत में दाखिल हो गई एक औरत सिर्फ मस्जिद की सफाई की वजह से। जब तक हम लोग जो है एक हदफ एक ख्वाहिश अपनी जो है फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम ही जो है इसी तरीके से गफलत में कभी किए कभी नहीं किए सुस्ती में जो है मुलवस रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है नेक आमाल की तौफीक दे। और आखिरी में जो है इंशाल्लाह एक 10-15 मिनट के लिए सवालात जो जिनके पास सवालात हो चाहे इल्मी हो या दावती सवालात हो या इक्तिसादी सवालात हो या इस्लामी बैंकिंग के ताल्लुक से हो तो आप जो है ज़रूर सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेख जो है यहाँ मौजूद हैं जवाब देंगे। तनासुख अरवाह के बारे में, तनासुख अरवाह का मतलब होता है कि रूहें एक दूसरे में नस कर जाती हैं, मिलती जाती हैं। ये अकीदे के बारे में हमको कुछ समझना है। सबसे पहले जो इसकी बुनियाद है वो पुनर्जन्म पर रखी जाती है। पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म का अकीदा ये पाया जाता है कि इस जन्म के बाद एक और एक भी जन्म है। पुनर्जन्म का सिर्फ इतना ही माना है कि इस जन्म के बाद एक और एक भी जन्म है, लेकिन उसके बाद जब तशरीह की बात के मनुष्य स्मृति और इसी तरह जैसा कि हिंदुओं के पास जो फिक्र किताबें हैं उसके अंदर तशरी की गई है कि इसके बाद जो और एक जन्म है वो होता है कि रूहें एक दूसरे में जाकर मिल जाती हैं। मतलब यह है कि अगर कोई आदमी अच्छा अमल करता अच्छा इस दुनिया में अच्छा रहता है तो वो फिर आने वाले जमाने में और उसको अच्छी जिंदगी नसीब होती है, और अगर एक आदमी बुरा हो जाता है तो आने वाले जिंदगियों में वो जानवर बनकर पैदा होता है। इस तरह से तनासुख अरवाह की तशरी आगे बढ़ते चले जाती है। लेकिन सबसे पहले ये बुनियादी पॉइंट ये है जो भाई ने भी सवाल किया है कि मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को ख्याल रखें कि पुनर्जन्म का तर्जमा बार बार की जिंदगी करते, जबकि किसी भी संस्कृत आप किसी भी मोतबर संस्कृत डिक्शनरी से उठाकर देख लीजिए पुनर्जन्म का मतलब बाद में एक जिंदगी का माना आता है, बार बार जिंदगी का माना आता ही नहीं। मसला क्या है, जो इस्लाम में हियर आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, जैसा मुसलमानों के पास हमारे पास ये हमारे पास है अल आखिरा अद दुनिया, अद दुनिया माने वो जिंदगी जो अल हयातुद दुनिया यानी वो जिंदगी जो अब खरीब की यानी कि ये जिंदगी, वल हयातुल आखिरा इसके बाद एक और एक जिंदगी आने वाली जिसको हम आखिरत की जिंदगी कहते हैं, वही कॉन्सेप्ट है। तो लिहाजा अगर कोई हिंदू चाहता है कि इसके बाद की जिंदगी की तशरीह पढ़े, बाइबल में उसको नहीं मिल सकती, हिंदुइज्म में डिटेल नहीं मिल सकते जितने डिटेल उसके बारे में कुरान मजीद में मिल सकते। अगर कोई भी हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम अगर वो चाहता है, या हमारे भाई जो गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो आप उनको बताइए कि आप लोग इसके बाद की जिंदगी के बारे में जानने में बड़े आप लोग बेइत्मीनानी के साथ बेसुकूनी के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपकी ख्वाहिश ये है कि इसके बाद की जिंदगी के बारे में आपको जानना है जितना डिटेल में इस कुरान मजीद में बताया गया, जितने भी अहकाम बताए गए हर हुक्म के बाद आखिरत का एक ना एक आयत है इसके अंदर, इतने ज्यादा डिटेल। और आखिरत के बारे में अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले आप सूरह इन्फितार सूरह इंशिकाक खासतौर से पढ़ाए, क्योंकि हमारा कलाम मौजजा नहीं है, हमारे जो वर्ड्स हैं वो मिराकल नहीं है, हमारे वर्ड्स मौजजा नहीं है, अल्लाह का कलाम मौजजा है। لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته अगर कुरान मजीद को हम पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ क्या हो जाते, चिकना चुराते। तो जब भी आप किसी गैर मुस्लिम से बात करते हैं कि तनासुख अरवा तो इसका ताल्लुक किससे है, हियर आफ्टर आखिरत के बारे में, तो आखिरत से मुताल्लिक आयतें उसके सामने आप पढ़कर सुनाइए उसका तर्जमा सुनाइए, वो आदमी इंशाल्लाह बहुत जल्द आसानी के साथ कलमा पढ़ लेगा क्योंकि उसको उसी की तलाश है, उस जवाब उसका डिटेल में जवाब कुरान मजीद में मिलेगा उसको। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। हिंदुस्तान कौन सा मुनासिब है, कौन सा मुनासिब और कौन सा मुनासिब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 और 276 व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह सुभान तआला ने बिजनेस की सारी किस्में अल्लाह तआला ने हलाल कर दी हैं, रिबा को अल्लाह तआला ने हराम किया है। उलमा कहते हैं जब हराम का मसला आया तो एक मिसाल दी गई, हलाल का जब मसला आया तो बिजनेस कहा गया, कई बिजनेस कहा गया, इसका मतलब हलाल ज्यादा है हराम कम है। बाद लोग कहते नहीं, उलमा के तकरीर सुनने के बाद हर चीज हराम ही नजर आती। बाद लोग कहते मैं एक बयान अटेंड करा हर मसले में हराम हराम बचा क्या आप। बाद लोग कहते हैं कि नहीं हराम ज्यादा है हलाल कम है,
बात ऐसी नहीं है, दुनिया में हलाल ज्यादा है। एक आदमी कहेगा नहीं भाई कैसे, जो जानवर है 8 किस्म के जानवर है ना, उसके बाद जंगलों में देखिए आप कितने हराम जानवर है, जंगलों के जितने भी जानवर है वो पूरे के पूरे हराम है। तो जो जो नजीस होते हैं और वो जो कोंचली वाले होते हैं, वो जो पंजे से हमला करते हैं, तो जंगलों में ऐसे कई जानवर है कसीर तादाद में, वो हराम है। एक आदमी कहता है और जो हलाल जानवर है बकरी ऊंट वगैरह, इसका मतलब हलाल कम है। अगर कोई मुझे जंगल की मिसाल देता है तो मैं मुझे समंदर की मिसाल देता हूं, समंदर में इतनी मछलियां हैं, सुलुस जमीन कितनी है 1/3 है, बाकी के 3 हिस्से पर क्या पाया जाता है, समंदर पाया जाता है। समंदर की मछलियों की मिसाल देता हूं कि समंदर में मछलियां ज्यादा है। मतलब यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि हलाल बहुत सारी चीजें हैं। जानने का आसान तरीका यह है शरीयत के मुताबिक, आप फहरिस्त में आपको मुख्तसर टाइम पे दे नहीं सकता, अलबत्ता आस मदनी आप जो भी बिजनेस करते हैं उसका आप ब्रोचर या उस कंपनी का कोई भी पंफलेट होगा या उसके जो उसूल जाबते होते अगर आप वो भिजाएंगे तो मैं आपको सही बता सकता हूं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि फहरिस्त बताओ तो मेरे सामने मुश्किल है कि मैं आपको पूरी फहरिस्त सामने रख दूं। askmadani@gmail.com पे आप इंशाल्लाह सवाल करके ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, डेथ लाइफ इंश्योरेंस, मींस इंश्योरेंस या बॉडी का पार्ट, एक पार्ट पे भी इंश्योरेंस होता है, गुड्स इंश्योरेंस सामान पर इंश्योरेंस, या इसी तरीके से तिजारत पर इंश्योरेंस। हिंदुस्तान में जो शक्लें पाई जाती हैं वो सारी की सारी शक्लें उलमा इकराम ने उसको हराम करा दिया, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस जायज है तब तो फिर जुआ भी जायज है, तब तो फिर जुआ भी जायज, जब भी तब तो फिर जुआ भी जायज है। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर एक तो वो इंश्योरेंस होता है जो मजबूरी में बनाया जाता है, हुकूमत कहती है गाड़ी पर इंश्योरेंस बनाओ, चूंकि आपका इख्तियार नहीं है गुना भी नहीं है, यहां तो आप बना सकते हैं। सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 286, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आपको इख्तियार नहीं है तो गुना भी नहीं है। दूसरी किस्म जो इंश्योरेंस की इंडिया में पाई जाती है वो यह है कि भागलपुर और मीरठ के उलमा इकराम ने तय किया है कि अगर इंश्योरेंस ना कराए तो मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे खासतौर से अटैक किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस करवाया जाता है, खासतौर से तिजारती इंश्योरेंस, तो वहां पर वहां के सियासतदान खुद हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो तबाह हो जाएगा तो उनको देना पड़ेगा, हुकूमत की तरफ से माल फराहम करना पड़ेगा। तो वहां के उलमा इकराम ने तय किया कि सिर्फ फसादात को बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाएगा, तिजारती जिंदगी पर नहीं, तिजारती, ताकि फसादात से बच जाए और जानी और माली नुकसान से बच जाए। तो इस पर उलमा इकराम कहते हैं अगर कोई ऐसे वजह से तिजारत का इंश्योरेंस बना लिया है ताकि फसादात से बच सके, कल के दिन अगर नुकसान हो जाए तो उस इंश्योरेंस की बुनियाद पर उसको मुतालबा करते हुए अपने रकम से ज्यादा रकम नहीं लेना चाहिए, अपने जो उसने रकम भरी है उससे ज्यादा रकम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हराम। ये एक बारीकी है। और एक तीसरी किस्म जो पाई जाती है अरब मुल्कों के अंदर, जिसको तकाफुल कहते हैं, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस अतामीनुल इस्लामी, तकाफुल, तकाफुल का मतलब ये होता है कि आदमी देते वक्त ये नियत करता है कि मैं ये तिजारत के लिए नहीं दे रहा हूं, वापस ना भी आए तो चलेगा, मतलब ये है कि तबर्रो की नियत से, यानी बस सदका और खैरात की नियत से। तो इस तरीके से 10, जैसे ये 10 लोग हैं कश्ती का कारोबार करने वाले हैं या प्लेन का कारोबार करने वाले हैं, वो लोग आपस में तय करते हैं भाई हमारे हम 10 का प्लेन है, 10 लोगों का भी प्लेन है, अलग अलग 10 प्लेन है, तो कहते हैं कभी भी प्लेन गिर सकता है तो किसी को भी नुकसान हो सकता है, हम ऐसा करते हैं साल में 1-1 करोड़ अपने अपने 10 करोड़ एक किसी संदूक में रख देते हैं, अगर किसी का प्लेन गिर जाएगा तो 10 करोड़ निकाल के उसको दे देंगे, उस साल में देखेंगे कि भाई इस साल में किसको नुकसान हुआ, एक आदमी को नुकसान हुआ, चलो 10 के 10 करोड़ उसको दे देंगे। इसको कहते हैं ताउन, सूरह मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 2 के मुताबिक ताउन अल बिर व तक्वा वला ताउन अल इस्म व उदवान। इस उसूल के तहत अरब के अंदर तकाफुल का यह सिस्टम जारी है कि अगर कोई ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ये कहता है कि हम लोग आपस में कुछ रकम रखते हैं ताकि हम में से कोई आदमी अगर नुकसान उठाता है तो उसमें से उसकी मदद कर दी जाए, इसको तकाफुल के तहत शरायत लगाकर, कुछ शुरूत लगाकर, शर्तें लगाकर, कंडीशन लगाकर उलमा इकराम ने इजाजत दी है। ये तीनों किस्में जो मैंने आपको बतलाई हैं अलग अलग हालात में बदलती है। इसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरेंस पाया जाता है, इसको उलमा इकराम ने 6 तरीके से हराम करा दिया है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं इस सवाल के लिए जो भाई ने किया है कि कुछ लोग सिर्फ नाम ऑन द टैग ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर इस्लामिक बैंकिंग चला रहे हैं, वरना हकीकत में वो इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, तो सही बात क्या है? तो मैं आपको, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप halal2.com halal2.com शेख अल उसैमी इब्ने उसैमी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द का वेबसाइट है। इसके अंदर उन्होंने खासतौर से सऊदी अरब के अंदर उन्होंने अपने पूरे शागिर्दों को फैला दिया। रखाबा शरिया कहते हैं, रखाबा शरिया का मतलब होता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सुपरवाइज करता है। तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिन बैंकों के ऊपर सुपरवाइज करते हुए रखाबा शरिया कायम किया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई मोतबर आलिम, जैसा कि अल उसैमी, शेख अल उसैमी ने कुछ बैंकों के नाम उन्होंने दिए हैं, जैसे बैंक तमविल अल कुवैती के बास चीजों को, तो आप जाकर वो रखाबा शरिया से पूछेंगे, यानी वो उलमा किराम की जो टीम है उनसे पूछेंगे, अच्छा इसके अंदर मैं क्या ये तामुल कर सकता हूं, क्या मैं ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, तो आपको रहनुमाई कर देंगे ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है। इस तरीके से सऊदी अरब में भी ये काम चल रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो चुका है। चांसेस है हलाल के, लेकिन आप कैसे मालूम करेंगे? जिस बैंक में भी आप जा रहे हैं उस बैंक के अंदर जो उलमाए किराम की टीम है, उस टीम के जरिए से आप जाकर इंशाल्लाह हलाल भी वहां से भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो।